हेलो फ्रेंड्स। तो आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अल्फा बीटा प्रूनिंग। तो सबसे पहले हम समझ लें कि अल्फा बीटा प्रूनिंग की ज़रूरत क्यों है। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले मिनमैक्स एल्गोरिदम को पढ़ा। मिनमैक्स में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास एक सर्च ट्री है और उस सर्च ट्री में दो पर्टिकुलर प्लेयर्स होते हैं, एक मैक्स को रिप्रेजेंट करता है, एक मिन को रिप्रेजेंट करता है। और मैक्स कोशिश करता है कि वो हमेशा मिनिमम से हैवीएस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड करे, और मिन चाहता है कि वो हमेशा कम से कम वैल्यू को मैक्स को प्रोवाइड करे। तो उस पर्टिकुलर केसेस में कुछ ऐसे नोड्स जो हमारी ओवरऑल सर्च ट्री बनती है, उस सर्च ट्री में कुछ ऐसे भी नोड्स होते हैं जो नोड्स हमें ज़रूरत नहीं है कि उनको हम इवेल्यूएट करें। तो अगर हम उस पर्टिकुलर चीज़ को फाइंड करने में एबल हों कि कौन कौन से ऐसे ट्री में नोड्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। तो अल्फा बीटा प्रूनिंग एक सर्च एल्गोरिथम है जो ये देखता है, ये फाइंड करता है कि वो कैसे किसी इवेल्युएटेड मिनीमैक्स एल्गोरिथम के सर्च ट्री में से उसके नंबर ऑफ नोड्स को डिक्रीज कर सके। एक तरीके का एडवर्सेरियल विरोधात्मक सर्च एल्गोरिथम है जिसमें दो कंपटीटर्स आपस में प्ले करते हैं, जैसे कि टिक टैक टू में आपने देखा होगा, चेस में आपने देखा होगा। तो बेसिकली अल्फा बीटा प्रूनिंग मिनमैक्स एल्गोरिथम को इम्प्रूव करने की एक दूसरी सर्च एल्गोरिथम है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक सर्च ट्री है जिसमें वेरियस नोड्स हैं। इन नोड्स में अगर आप लेफ्ट को फाइंड आउट करते हैं, जैसे हम लेफ्ट साइड में जाते हैं, तो यू कैन सी कि पर्टिकुलरली बी नीचे के नोड से जो मिनिमम वैल्यू है 3, इस 3 को ऊपर अपने पास लेगा। सेम जब ये ए के पास आएगा तो ए विल हैव ओनली वन ऑप्शन 3, तो इट विल गेट 3 फ्रॉम हियर। जब वो इस साइड में आएगा तो यहाँ पर लेफ्ट से 2 इसके पास आता है, तो जब 2 इसको मिल गया तो इस केस में यहाँ पर आप देखिए, गौर कीजिए कि जो मैक्स है, दिस इज मैक्स, राइट। तो मैक्स का हमने क्या बोला था कि मैक्स हमेशा अपने जूनियर से, अपने नीचे वाले से, जो मिन प्लेयर है उस मिन प्लेयर से हमेशा कोशिश करेगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू हो वो उठाए, यानी वो 3 से बड़ी वैल्यू को उठाने की कोशिश करेगा क्योंकि ऑलरेडी 3 उसके पास है, जो एक लार्जर वैल्यू है। तो इट विल ट्राई टू गेट कि कोई ऐसी वैल्यू वो नीचे से पिक कर सके जो 3 से बड़ी हो, अदरवाइज वो नहीं लेगा। और चूंकि ये मिन है, मिन हमेशा कोशिश करेगा कि वो ऊपर वाले को 2 से बड़ी वैल्यू ना दे, राइट, क्योंकि वो अपने पास मिनिमम से मिनिमम वैल्यू रखने की कोशिश करेगा। तो अगर इस साइड में कोई भी और वैल्यू होती है, मान लीजिए ये एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, लेकिन वो 3 से बड़ा नहीं है तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे 4 होता है तो 2 से बड़ा नहीं है तो मिन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी किसी भी केस में इधर साइड को प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो दिस इज वाई हमें एक ऐसे एल्गोरिथम की जरूरत है जो इन अनवांटेड नोट्स को, या जिनकी ज़रूरत नहीं है हमें ऐसे नोट्स को रिमूव करने का या प्रून करने के लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करें। एंड दैट इज़ व्हाट अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिदम डू। नाउ लेट्स सी कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है। इसमें दो वैल्यूज, दो वेरिएबल होते हैं, अल्फा जो मैक्स को रिप्रेजेंट करता है, बीटा जो मिन को रिप्रेजेंट करता है, और हर नोट अपनी अल्फा और बीटा वैल्यू को परसिस्ट करके रखता है, ठीक है। तो नाउ इन दिस सर्च ट्री इनिशियली अल्फा इज माइनस इन्फिनिटी और बीटा इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। यू विल से वाई अल्फा माइनस इन्फिनिटी इसलिए है क्योंकि अल्फा हमने बोला मैक्स के लिए है। मैक्स हमेशा कोशिश करता है कि अपनी वैल्यू को लार्जेस्ट करे, मैक्स से मैक्स करे, तो मैक्स वैल्यू हमेशा निगेटिव इन्फिनिटी से आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा, माइनस से प्लस की तरफ। और बीटा जो है हमेशा अपने को कम से कम रखने की कोशिश करेगा, तो ये प्लस से माइनस की तरफ को करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए अल्फा को हम इनिशियली माइनस इन्फिनिटी रखते हैं ताकि हमारे पास स्कोप हो पॉजिटिव की तरफ जाने का, और बीटा हमको हमेशा पॉजिटिव इन्फिनिटी रखते हैं ताकि हम नीचे की ओर कम वैल्यू रखने की स्कोप हो, ठीक। तो इनिशियली जो यहाँ पर वैल्यू है, हमारे पास एक अल्फा वेरिएबल है और एक बीटा वेरिएबल है। इनिशियली जब हम सर्च ट्री को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर मिनीमैक्स भी हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह ही चलता है, यानी सबसे पहले हम इधर को आएंगे फिर हम नीचे को चलेंगे। तो जब हम ए से बी को गए, बी से 3 पे आए, 3 हमारा टर्मिनल नोड है, इस टर्मिनल नोड से हमें ये वैल्यू बी को मिल जाएगी। बी इज ट्राइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर इट, क्योंकि हर नोड अपना अल्फा बीटा को रखता है। तो बी के केस में जो अभी अल्फा था वो माइनस इन्फिनिटी था और बीटा जो था वो प्लस इन्फिनिटी था। चूंकि बी मिनिमम को रिप्रेजेंट करता है, मिन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए ये बीटा वैल्यू को चेंज करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस 3 विल बी गेट फ्रॉम हेयर, और जो बीटा वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी क्योंकि बीटा जो है वो
प्लस इन्फिनिटी से छोटी वैल्यू है इस समय, तो इट विल चेक कि उसके पास मिनिमम वैल्यू हो, तो इनिशियली बीटा प्लस इन्फिनिटी है, तो इट विल चेक कि क्या जो वैल्यू उसके पास आ रही है वो करंट बीटा से छोटी है कि नहीं है, है ना, क्योंकि मिन है, तो छोटी होने की वजह से हमने देखा कि 3 प्लस इन्फिनिटी से छोटा है, तो इट विल बी एक्सेप्टेड, बीटा 3 हो गया। जब 12 पे आएगा तो 12 के केस में क्या 12 3 से छोटा है, नहीं है, तो बीटा अपडेट नहीं होगा। फिर क्या 8 3 से छोटा है, नहीं है, तो इट विल नॉट बी अपडेट। तो इस केस में जो हमारा अल्फा है वो अल्फा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी और जो बीटा है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अपडेट हो गया पहले केस में, दिस इज बीटा, राइट। फिर जब हम ऊपर अगले लेवल पे आएंगे यहाँ पे, क्योंकि इधर का सब हमारा ट्री कंप्लीट हो चुका है, तो इट विल बी हेयर, ये मैक्स का टर्न है, यानी ये अल्फा को चेंज करेगा। नाउ अल्फा फ्रॉम हेयर इट विल गेट कि क्या जो अभी अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ से उसको 3 वैल्यू एक मिल रही है, इट विल चेक कि क्या 3 माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है, बड़ा है, 3 इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, इट इज ट्रू। तो इस केस में इट विल चेंज अल्फा, तो नाउ अल्फा विल बी 3 एंड बीटा इज ऑलरेडी 3, तो यहां पर जो अल्फा और बीटा की अब वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 3 एंड 3। आफ्टर दैट ये सेकेंड चाइल्ड को फॉर प्रोसेस करेगा। इस सेकेंड चाइल्ड में जब ये आएगा, यहाँ पे अभी अल्फा बीटा की वैल्यू 3 3 हम प्रोसेस करके चल रहे हैं, तो जब इस लेफ्ट साइड को वो फेच करेगा तो यहाँ पे 2 वैल्यू है, इट विल चेक कि क्या 2 करंट वैल्यू 3 से छोटा है, है, तो वैल्यू जो यहाँ पर नीचे से आ गई वो 2 आ गई, बट स्टिल इट विल चेक कि क्या जो वैल्यू हमारे पास अभी आ रही है वो अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी और नॉट, ठीक है। अल्फा 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, यानी कि 3 इज ग्रेटर देन 2, इट इज ट्रू। तो जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब कि आगे की हमें प्रोसेस जो चाइल्ड ट्रीज हैं, जो नोड्स हैं, उनको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो मैक्स वैल्यू है वो अभी बीटा अल्फा की इस कंडीशन में है और वो उससे छोटी वैल्यू को नहीं लेगा, उससे बड़ी ही वैल्यू को लेगा। यानी अगर जब तक अल्फा की वैल्यू बीटा से छोटी नहीं होती तब तक वो बीटा की वैल्यू को आगे प्रोसेस नहीं करेगा, बट चूंकि करेंटली अल्फा बड़ा है बीटा से, तो इसका मतलब कि वो छोटी वैल्यू को क्यों एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसको मैक्स एक्सेप्ट करना है। तो और ये जो मिन है इट इज ऑलरेडी हैविंग द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो वो इस 2 से छोटी ही वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, बड़ी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो दिस ट्री इज गेटिंग प्रून्ड, राइट। सेम वी विल डू विद दिस वन, हमारा अल्फा बीटा क्या हो गया 3 एंड 2, दैट इज बीइंग एक्सेप्टेड। कम टू दिस वन, यहाँ पे डी पे आ गए, सेम अल्फा एंड बीटा की हमने यहाँ पर वैल्यू को प्लेस अप किया कि अल्फा इज दिस एंड बीटा इज दिस। अब यहाँ से 14 आ रहा है, 14 आने के केस में इट विल चेक कि क्या 14, क्योंकि मिन का चांस है, इट विल चेक फॉर बीटा, इज 14 इज लेस देन बीटा, 14 इज लेस देन 2, नहीं है, बीटा विल नॉट बी अपडेटेड। इफ 5 इज लेस देन 2, नो, नथिंग विल हैपन। इफ 2 इज लेस देन 2, इट इज इक्वल टू बट इट इज नॉट लेस देन, तो उस केस में आपका बीटा अपडेट नहीं होगा। तो अब फाइनली यहाँ पर हमने देखा कि हमें इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करना है, और जो लास्ट में हमने इस ओवरऑल ट्री में देखा कि ये पर्टिकुलर कंडीशन प्रून होती है। सेम अगर इसकी जगह पे मान लीजिए ये 1 होता, ये 5 होता, ये 14 होता, तो हमारी कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती, क्योंकि यहाँ पर आने पर दिस बीटा, बीटा की जो 2 वैल्यू है वो बड़ी है 14 से, 1 से, तो 1 इज स्मॉलर देन बीटा, तो यहाँ पर बीटा अपडेट हो जाता, 1 हो जाता, और हमें इस पर्टिकुलर ट्री को भी आगे प्रून हम कर सकते थे, इसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि जब हम इस पर्टिकुलर ट्री को देख रहे हैं, अगर इसके नीचे और नोड्स हो, मान लीजिए, है ना, खूब सारे नोड्स अवेलेबल हो सकते हैं, एक लंबी एक डेप्थ में हम आगे मूव करते जा रहे हैं, तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा टाइम और स्पेस है वो हमारा सेव हो रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पे अल्फा बीटा प्रूनिंग हेल्प करता है कि जो मिनिमैक्स एल्गोरिदम के थ्रू हम सारे नोड्स को जनरेट कर रहे हैं, उन सारे नोड्स को में से उन नोड्स को रिमूव करना या ओवरऑल जनरेटेड नोड को मिनिमाइज करना जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम अल्फा बीटा प्रूनिंग बोलते हैं। प्रूनिंग का मतलब छटाई करना, किसी चीज़ को कम करना, जैसे घर में कोई एक्स्ट्रा कोई ट्री है, ट्री के ब्रांचेस आ रहे हैं जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्पेसेस कंज्यूम हो रहा है, तो वी कैन प्रून इट, हम उसकी छटाई कर देते हैं। और भी हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जिसमें हम उन पर्टिकुलर चीज़ों को रिमूव करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, तो कैसे उस काम को करें ये हमें अल्फा बीटा प्रूनिंग बताता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइक सो दैट आई कैन अपलोड मोर वीडियोज़ फॉर योर हेल्प, थैंक यू वेरी मच।